दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें। फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सर्च कीजिए रविंदर, और वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 6000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ और अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी जल्दी से जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी एमआर एनएमआर एग्ज़ाम के लिए सेक्शन ए सामान्य ज्ञान का पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, कुल आपके पास 25 सवाल रहने वाले हैं और टाइम यहाँ पर जो है 15 मिनट का रहने वाला है। विद आंसर मैं आपको कराऊँगा, पहले आपको उसका आंसर बताना होगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, फिर मैं आपको आंसर भी बताऊँगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, पानीपत की लड़ाई का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, यानी आपसे पूछा है दोस्तों कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है वो किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, ऑप्शन बी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, ऑप्शन डी है दोस्तों कलाई और सिराजुद्दौला के बीच। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसी के चलते दोस्तों भारत में मुगल शासन की जो है नींव पड़ी थी। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास जो आता है वो है डीडीटी है। डीडीटी क्या है? ऑप्शन ए विस्फोटक, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी दवाई और ऑप्शन डी है प्राकृतिक यौगिक। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो डीडीटी है वो एक कीटनाशक है। आपने 10th में ही पढ़ा होगा दोस्तों, डीडीटी जो कि एक कीटनाशक है। अगला सवाल दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता और ऑप्शन डी है बाघ। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ यानी टाइगर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास जो आता है वो है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 350, ऑप्शन बी है दोस्तों 545, ऑप्शन सी है 535 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी अमृतसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। सिख धर्म से संबंधित दोस्तों स्वर्ण मंदिर और अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके पास यहाँ पर नेपाल और ऑप्शन डी है भारत। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे 7 महाद्वीप कौन से हैं, तभी आप जो इसका आंसर बता दोगे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 दिए हुए दोस्तों, यूएसए, नेपाल और भारत, ये सभी देश है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास जो आता है वो है, भारत झंडे में कितनी तिलियाँ हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है 24। तो हमारा जो भारतीय झंडा है दोस्तों, उसमें जो बीच में चक्र होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24। 24 तिलियाँ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 15 जनवरी को और 30 जनवरी को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है, राकेश शर्मा, रमेश शर्मा, रवि शर्मा और राम अवतार। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा जो है भारत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगला सवाल है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, भूकंप की तीव्रता यानी जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों भूकंप की अर्थक्वेक की, वो किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ से, ऑप्शन बी
अमीटर से, ऑप्शन बी लोकोमीटर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सिस्मोग्राफ यानी जो आपका भूकंप लेखी यंत्र होता है उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हो तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 38 वर्ष। तो यहाँ पर आप सभी को बताए दोस्तों, अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सॉरी दोस्तों राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हो तो कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने और सी गोपालाचार्य ने। तो आप सभी को पता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला सवाल है दोस्तों, सन 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। सन 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी बीजिंग में, ऑप्शन डी है रियो डी जनेरियो में। तो यहाँ पर आप सभी को पता है दोस्तों 2020 के जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे, टोक्यो जापान में। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो, और वहीं पर जो है 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी जेलब नदी, ऑप्शन डी है व्यास नदी। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो श्रीनगर है दोस्तों वो जेलब नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, इराक की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी क्यात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इराक है दोस्तों उसकी जो मुद्रा है वो दिनार है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिनार इराक की मुद्रा है। अगला सवाल है दोस्तों, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों कि जो नेहरू कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा पूछे दोस्तों किस शहर में आयोजित की गई। ऑप्शन ए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। कलकत्ता में पहली भूमिगत रेल मेट्रो सेवा का जो है आरंभ किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, बाल दिवस कब मनाया जाता है। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों कि बाल दिवस जो है, चिल्ड्रन डे है, वो कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है। आप सभी को पता है दोस्तों, मुझे पता है लेकिन आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपके पास दोस्तों गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है और ये भारत का रसायन बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है दोस्तों और भारत का ये रसायन बंदरगाह है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो ग्रह है जो कि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है वो है ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है तबला, सितार, वीणा या फिर इनमें से कोई नहीं। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि तबले से जो है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। चार ऑप्शन है दोस्तों, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम, गोवा। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समुद्री तट नहीं है। आपको पता है कि दोस्तों उड़ीसा में भी समुद्री तट है, गुजरात में भी समुद्री तट है। इनफैक्ट गुजरात का जो समुद्री तट है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा। गोवा में भी है, तो मिजोरम जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम में कोई भी समुद्री तट नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति
कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है। तो यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी है कल्पना चावला। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम दोस्तों आपको पता है कि राकेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो आता है वो है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी होती है वो बेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके इंडियन नेवी MR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको आते होंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे दोस्तों जो कि आपको नहीं आते होंगे। तो हर वीडियो से कुछ ना कुछ आप जरूर से सीख के जाएंगे। तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आप जो है हमारी GK की और साइंस की ईबुक खरीद सकते हैं, लिंक उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।